नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाजनी बेगम आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुलाकात की इस कड़ी में डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन का प्रोसेस, कैसे प्रोफाइल अपडेट करना है, कैसे कंप्लेन टिकट जनरेट करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम डिजिटल सेवा पोर्टल में आपके प्रोफाइल अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप 6 महीने से या 2-3 महीने से या कुछ समय से अपने CSC ID को लॉगिन नहीं कर रहे हैं या लॉगिन एक बार भी नहीं किया है, तो आपका प्रोफाइल कभी कभी डीएक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे में आपको कभी कभी डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने में, पासवर्ड रिसेट करने में इस तरीके की कुछ समस्या आती है कि वो आपका लॉगिन नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको करना ये होता है कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के को अपडेट करने के लिए उसके प्रोफाइल को आपको अपडेट करना होता है। ये प्रोफाइल आपको अपडेट करना होगा www.register.csc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको माई अकाउंट का ये ऑप्शन शो करता है। इस माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको CSC ID डालनी होगी, आपको फिंगरप्रिंट देना है, उसकी डिवाइस लगा के रखना होगा, वो मॉर्फो मंत्रा जो भी हो, आप उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डाल के डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। ये सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन देना है। थंब इम्प्रेशन देने के बाद आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। जब इस तरह से आपका प्रोफाइल खुलकर आ जाता है, तो इसमें आपको डैशबोर्ड, प्रोफाइल, KYC अपडेट, अकाउंट सेटिंग, लॉगआउट और नीचे आप देख पाएंगे अपडेट रिक्वायर्ड, ये आपका ऑप्शन देखता है। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग, यहाँ से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। लॉग्स, लॉग्स में आपको शो करता है कि आपका जो आपने अपडेट किया हुआ है वो अप्रूव है या रिजेक्ट है, यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डैशबोर्ड, प्रोफाइल या KYC अपडेट में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट, जैसे आप अपना मेल मोबाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट पर जाके चेंज कर सकते हैं। KYC अपडेट पे जाके आप अपना ID एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप नेम, जेंडर, DOB, इमेज, ये सी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल में आप पैन एंड बैंकिंग डिटेल अपडेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको CSC ID करने पर पैन बैंकिंग अपडेट रिक्वायर्ड करके एरर आता है, वो उसके लिए आपको यही पैन बैंकिंग ही अपडेट के रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ये एरर। अभी पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी अपलोड मैंडेटरी हो गया, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। अगर आप अपना नेम, DOB, जेंडर, इमेज ये चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ आप पर्सनल डिटेल में जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये चीज़ें तभी चेंज हो पाएंगी जब आपकी बैंकिंग और KYC डिटेल अपडेटेड होगी। पहले आप अपडेट कर चुके होंगे, अप्रूव हो गई होगी, उसके बाद ही आप इसे चेंज इसमें चेंजेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं, नेम, DOB, जेंडर, इमेज, जो भी चेंज करना चाहते हैं, उस पर टिक करेंगे। डिटेल्स आप अपनी उस हिसाब से लिखेंगे, जैसे आपका एज पर आधार लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे और अपडेट करेंगे। KYC डॉक्यूमेंट में आप ID एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। यहाँ पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, जॉब कार्ड इश्यूड बाई नरेगा, ये डॉक्यूमेंट आप ID एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, नाम जो भी आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है वो CSC में भी सेम नाम लिखा हुआ होना चाहिए। स्पेलिंग मिसमैच या स्पेस मिसमैच भी होगा तो वो अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बोथ साइड आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे आप वोटर ID लगा रहे हैं तो आपका फ्रंट पेज लगा देने से आपका अप्रूव नहीं होगा, आपको आगे पीछे दोनों के पेज को स्कैन करके एक पेज में लाना होगा और उसे आपको अपलोड करना होगा। आप आधार लगा रहे हैं तो आधार का आप जो ऑनलाइन डाउनलोड होता है उसमें एक में आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और एक तरफ आपकी डिटेल्स होती हैं, तो आप वो डिटेल्स वाला पूरा कॉलम, पूरा पेज स्कैन करके लगा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वाले पेज की कोई नीड नहीं होती है।
या तो फिर नीचे आपका जो कार्ड नुमा होता है उसको आप क्रॉप करके लगा सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में ओरिजिनल स्कैन कॉपी ही लगाएंगे, फोटो कॉपी को स्कैन ना करें। जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं आईडी एड्रेस प्रूफ में वो विजिबल होना चाहिए। नेम मैंडेटरी है, एड्रेस भी मैंडेटरी है, तो आप आईडी एड्रेस प्रूफ को जैसे भी लगाए कुछ इस तरह लगाए कि नाम और एड्रेस दोनों ही शो होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम आपकी बैंकिंग डिटेल पे, बैंक एंड पैन डिटेल पे। अगर आपका पैन डिटेल के लिए अगर ये बता रहा है कि आपका पैन अपडेट करने के लिए पेंडिंग है, तो पैन ओनली पैन, सिर्फ पैन आपका अपलोड नहीं होता है। इवन पैन का कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं होता है, आपको कोई पैन स्कैन करके अपलोड करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ बैंकिंग डिटेल अपडेट करना है, पैन नंबर डाल के सिर्फ वेरीफाई करना है। अकेले पैन को आप अपलोड नहीं कर सकते, साथ में बैंकिंग डिटेल आपको अपडेट करना मैंडेटरी है। आप यहाँ पर अपना नाम आपको ऑलरेडी लिखा होगा, कियोस्क नेम ऑलरेडी लिखा होगा, अकाउंट होल्डर नेम आपको डालना है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं या करंट अकाउंट, जो भी आप अकाउंट इसमें लगाने जा रहे हैं उस पर टिक करेंगे। कैंसिल चेक या पासबुक की इमेज आप अपलोड करेंगे जो 100 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे पैन नंबर, पैन टाइप में पैन नंबर डालेंगे, पर्सनल पैन डालेंगे क्योंकि आप इंडिविजुअल आईडी यूज कर रहे हैं। इस पे पैन नंबर डाल के आप वेरीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल अपडेट हो जाती है और ये क्वालिटी चेक के लिए पेंडिंग होती है। ये हमारे एंड से होगा, अगर डिटेल करेक्ट होती है तो अप्रूव हो जाता है। वो चीज़ें आप लॉग्स में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आपके प्रोफाइल में ही लॉग्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अप्रूव है या पेंडिंग है। बैंकिंग डिटेल अपडेट करते समय भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि नाम आपका ऐसे लिखा होना चाहिए जैसा आपका सीएससी आईडी में नाम है, वैसे ही आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट में आपका नाम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिसमैच या स्पेस मिसमैच होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट अप्रूव हो सकता है, फर्म बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। कैंसिल चेक और पासबुक दोनों ही एक्सेप्टेबल है, आप चाहे पासबुक चाहे कैंसिल चेक जो भी हो अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं पासबुक या कैंसिल चेक, उसमें नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बैंक द्वारा प्रिंटेड होना चाहिए। हैंड राइटिंग से लिखा हुआ नाम, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड एक्सेप्ट नहीं होगा। ध्यान रहे, नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हैंड राइटिंग में नहीं होना चाहिए, हाथों से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बैंक द्वारा प्रिंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी आप लगा रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए। आप इस तरह से कैंसिल चेक को देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ कैंसिल चेक में नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नहीं लिखा हुआ, जबकि नीचे दिए हुए नाम कैंसिल चेक में नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दिया हुआ है जो अप्रूव करने लायक है। पासबुक का फॉर्मेट देखिए आप किस तरीके से लगाते हैं। ऊपर आपने SBI की पासबुक देख रहे हैं, इसमें आप कुछ भी रीडेबल नहीं है क्योंकि उसकी पूरी इमेज को स्कैन किया गया है। आप उतनी इमेज स्कैन करिए जितनी नीड है और उसमें आपकी पूरी डिटेल शो हो रही होनी चाहिए, लग रहा होना चाहिए कि वो आपका पासबुक है या कैंसिल चेक है। सिर्फ डिटेल टाइप की डिटेल को नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि अप्रूव हो सके, आपका अपडेट करना बेकार ना हो जाए। कम्युनिकेशन डिटेल में आप मोबाइल, ईमेल अपडेट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई ओटीपी होने के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ईमेल आईडी भी इसी तरह आप अपडेट करेंगे, ईमेल आईडी लिखकर आप सेंड ओटीपी करेंगे, वो फिर वेरीफाई ओटीपी करेंगे, तो ये आपका वेरीफाई ओटीपी होने के बाद ये आपका अपडेट हो जाएगा। लॉग्स के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं आपके प्रोफाइल का अपडेट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट, लेकिन मोबाइल या ईमेल अपडेट करने पर आपको किसी तरीके के अप्रूवल की नीड नहीं होती है। इसी तरह आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप माइनस करके आप अपनी लोकेशन माइनस पे करते जाएंगे तो आपको आपकी लोकेशन शो होगी, उस लोकेशन पे क्लिक करके आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट हो जाएगा। इसी तरह CSC ID का पासवर्ड अगर आपको रिसेट करना है
तो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से रिसेट करने का माध्यम है, लेकिन उस माध्यम से अगर आपको पासवर्ड रिसेट करने के बाद, सक्सेसफुली रिसेट होने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। अगर आपको आपका पासवर्ड फंसता है, वो ओल्ड पासवर्ड, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं पता है तो नो करेंगे। नो करेंगे, ओल्ड पासवर्ड पता है तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे। अगर नहीं पता है तो आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। आपकी CSC ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के थ्रू आप अपने मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा वो वेरीफाई करके तब आप अपने CSC Connect के पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। आप CSC के सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर लें, यहाँ से अपने प्रोफाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने जन सेवा केंद्र पर इसे जरूर चिपकाएं। इस आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ प्रोफाइल अपडेट करने में कुछ इश्यूज आते हैं जो जिसके लिए आप परेशान होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है जो आपके एंड से रिजॉल्व नहीं हो सकता है। कुछ एरर आता है, एरर 10 इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग RD, इसमें आपको ओल्ड RD से सर्विस ड्राइवर होता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। आप RD सर्विस ड्राइवर को जो नया वर्जन है उसको इंस्टॉल करें। इसी तरह एक और एरर आता है, 10 RDS वर्जन इज इनवैलिड एंड नॉट पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्री। इसमें भी आपको अपना ओल्ड RD सर्विस ड्राइवर अनइंस्टॉल करके नया सर्विस RD सर्विस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। या फिर आप कोई, अगर आपका बैंकिंग का कोई BC चल रहा है तो इन दोनों के RD सर्विस ड्राइवर चेंज होते हैं, तो आप कोई दूसरा सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। अनेबल टू डिडक्ट एनी रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस, ये भी RD सर्विस ड्राइवर का ही एरर है। आप लेटेस्ट RD सर्विस ड्राइवर इंस्टॉल करके ये करके आप अब प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो ये दिक्कत भी नहीं आएगी। एक एरर और आता है, रिक्वेस्ट XML वैलिडेशन फेल्ड CMSQ फॉर डिटेल, या फिर 14 XML वैलिडेशन फेल्ड, तो उसका भी आपका एक ही रेजोल्यूशन है। आप RD सर्विस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें। तो ये आपके प्रोफाइल अपडेट से संबंधित इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपका QC क्वालिटी चेक जो है वो हमारे एंड से हो जाता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब आपको हम यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में बताएंगे कि कैसे हम डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आप, ये है हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल का पोर्टल। यहाँ पर मैं लॉग आउट करके दोबारा से एक बार लॉगिन करती हूँ। आपका ये डिजिटल सेवा पोर्टल है, यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपका इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम CSC ID को लॉगिन कर रहे हैं तो आप इसको देख लें कि इसमें डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको कैसे काम करना है। ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ डैशबोर्ड पर आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये आपको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके लिए ही होते हैं। बहुत सारे न्यू सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सारे जो आपके बेनिफिट्स होते हैं या कोई कमीशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होता है तो उसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, तो आपको डैशबोर्ड डेली बेसिस पे रीड करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ सर्विसेज में आपको आपके डिजिटल सेवा पोर्टल की जो भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे फ्लैश होती हैं। जो भी न्यू अराइव सर्विसेज हैं या जो भी पॉपुलर सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैश होती हैं। आपको इनमें से जो भी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका वॉलेट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको वॉलेट की समरी आता है, EMI एंड बिल पेमेंट्स आता है, एड मनी आपको कैसे करना है, बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे करना है, रिवोक बैलेंस कैसे करना है, और रिचार्ज हिस्ट्री, ये मेन है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपके वॉलेट से बैलेंस कट
वॉलेट में बैलेंस ऐड करते समय पैसा कट जाता है और आपको यहीं पर उसकी हिस्ट्री आती है जो कि आपको जानकारी नहीं होती है। मैं यहाँ पे अभी आपको इसके बारे में और ब्रीफ में बताऊंगी। अभी हम पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको पासबुक मिलता है, पासबुक में वॉलेट लेजर, या ये वो लेजर होता है जहाँ पर आपको हर ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, आपने कब पैसा ऐड किया, वो पैसा आपने कब कहाँ पर यूज़ किया, इसकी डिटेल होती है। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है या आपका कोई पैसा ट्रांजेक्शन करने के पे फंस गया है और अभी तक आया नहीं है, तो उसकी रिफंड की स्टेटस आपको यहीं पर शो करेगा। इसके अलावा अगर आपके कोई कैशबैक है तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑपरेटर लेजर, अगर आपने कोई ऑपरेटर ऐड किया हुआ है तो उसका लेजर भी आपको यहाँ पर शो करेगा। फंड ट्रांसफ़र, आपने वो ऑपरेटर की आईडी में कोई फ़ंड ट्रांसफ़र किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। फ़ंड रिवोक, अगर आपने ऑपरेटर की आईडी से कोई पैसा वापस अपने सीएससी वॉलेट में लिया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये पासबुक है, इसमें आपको सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल मिल जाएगी। ऑर्डर्स, यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री मिल जाएगी, आपने अपने पोर्टल से क्या चीज़ ऑर्डर किया है, कौन सी सर्विस ली, और यहाँ पर ऑपरेटर ऑर्डर में क्या क्या ऑपरेटर ने क्या एक्टिविटी की उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये है अकाउंट, यानी यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, कैडेट्स चेक कर सकते हैं। और ये है लास्ट ऑप्शन आपका टिकट, टिकट किस तरीके से बनाना है आपको, अगर आपको किसी सर्विसेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने कोई आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर कंप्लेन टिकट के माध्यम से हमारे हम तक पहुँचा सकते हैं, और उसका रेजोल्यूशन भी आपको 3 डेज के अंदर आपको उसी टिकट पे रिप्लाई के रूप में मिल जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, वॉलेट, वॉलेट अगर आपकी नई सीएससी आईडी है तो सबसे पहले आपको वॉलेट पिन बनाना ज़रूरी है। वॉलेट पिन आप यहां से बना सकते हैं, माय या अकाउंट में माय प्रोफाइल पर जाएंगे। माय प्रोफाइल में जाने के बाद ये आपका माय प्रोफाइल में जाएंगे, यहां पर आपको चेंज पासवर्ड या चेंज वॉलेट पिन, अगर आपको पूरा पिन याद है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं याद है तो आप नो पर करके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजेंगे और उसके बाद अपना पिन सेट करेंगे। पिन सेट करने के सारे इंस्ट्रक्शन इधर साइड में आपको राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार जो आपने पिन बनाया और दोबारा जब आप चेंज कर रहे हैं तो सेम पासवर्ड नहीं बनाएंगे बना सकते हैं आप, वो एरर आएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं आप, रिसेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर से। माई प्रोफाइल में आप अपने डिटेल चेक कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल, पैन, GSTIN, कियोस्क डिटेल, आपका BBPS सर्विस आपकी एक्टिव है या नहीं है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, NPS, PM, ये सारी से डिटेल्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं, DM इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद वॉलेट में वॉलेट पिन सेट करने के बाद आप अपने CSC में सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट की जो समरी है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके वॉलेट का बैलेंस कितना है, आपके ऑपरेटर्स कितने हैं। यहाँ पर आप जैसे आपको पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ पर जाके आप पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको 100 रुपीज़ ऐड करना है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और जो भी आपको एक्सिस पीजी, SBFC पीजी या जो भी है, या CSC ग्लोबल पेमेंट का जो भी माध्यम है, आप इस माध्यम से पैसे को ऐड कर सकते हैं। इसका जो भी चार्जेस कटता है, डेबिट कार्ड से आपका जो चार्जेस कटेगा वो लिखा हुआ है, CSC एवेन्यू से आपका क्या चार्जेस कटता है ये लिखा है, पेयू मनी से आपका जो चार्जेस कटेगा, HDFC पीजी से आपको कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरह पेमेंट ऐड करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका PG चार्जेस ये लगता है ग्लोबल पेमेंट से ये आपका, और HDFC PG से नो चार्जेस। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो जो भी पेमेंट गेटवे, ये आपके सारे पेमेंट गेटवे हैं, 3 पेमेंट गेटवे तो आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी आपको पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड मनी टू यूजिंग अदर PG पे, अदर पेमेंट गेटवे मतलब आपका CC एवेन्यू या पेयू मनी या सिट्रस, ये 3 ऑप्शन हैं आपके अदर पेमेंट गेटवे। इसके अलावा आप चाहें तो NEFT IMPS के माध्यम से भी अपनी CSC आईडी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। CSC आईडी को आप एज अ बेनिफिशियरी अपने करंट
अपनी बैंकिंग जो भी आपका नेट बैंकिंग है उसमें आप एज अ बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। ये आपका सीएससी आईडी, आपका अकाउंट नंबर हो जाता है, आपका ये आईएफएससी कोड हो जाता है। इस तरीके से आप एज अ बेनिफिशियरी अपने आप को ऐड कर लेंगे और अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपने सीएससी आईडी में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। डीजीपे के माध्यम से भी आप अपने सीएससी वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। आप कभी भी ट्रांजैक्शन करें तो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो पहले 10 रुपए या 100 रुपीज इस तरीके से ट्रांजैक्शन करके देखें, क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन फंसता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी करना ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से लेट ट्रांजेक्शन करते हैं या थोड़ा टाइम लगाते हैं तो ट्रांजेक्शन अक्सर करके फेल हो जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत बड़ा अमाउंट फर्स्ट टाइम में ना करें। इसके अलावा आप ऐड मनी कर रहे हैं, ऐड मनी करते समय अगर आप पोर्टल के माध्यम से, जैसे यहाँ पर अमाउंट डाल के पैसा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, एनईएफटी डीजीपे को छोड़ के कोई भी पेमेंट गेटवे को यूज करके, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, पीजी या ग्लोबल पेमेंट सिस्टम या अदर ऐड मनी विद अदर यूजिंग पे करके करके कोई भी ऑप्शन को यूज करके कर रहे हैं, तो आपको रिचार्ज हिस्ट्री में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन नंबर जरूर बनता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मैंने प्रोसेस किया और मैंने ट्रांजैक्शन को फेल कर दिया, या जो भी है मैंने इसको बंद कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलेगी। रिचार्ज हिस्ट्री में आप अपने ट्रांजैक्शन को इस तरह देख सकते हैं। आपने कोई ट्रांजैक्शन, ये देखिए मैंने ये जस्ट अभी कहा है, मैंने ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट ही की थी और मैंने ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया अपने ऐड से, तो ऐसा करने पर भी मेरे पास एक 16 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हुआ है। कभी भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं और फेल होता है तो आपको ये ट्रांजैक्शन नंबर हमें देना ज़रूरी होता है, बिना इसके हम आपके ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका ट्रांजैक्शन बैंक से कट चुका है और आपके सीएससी वॉलेट में नहीं आया है, ऐसी कंडीशन में आप चेक स्टेटस इस पे ज़रूर क्लिक करें। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ होगा तो आपको, मतलब हमारे सीएससी की तरफ से फेल हुआ होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। इस इंस्ट्रक्शन के साथ आप अपने बैंक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन किया था वो अनसक्सेसफुल था, ये पैसा सीएससी की तरफ से बैंक में रिफंड कर दिया गया है या पेमेंट गेटवे में रिफंड कर दिया गया। आप अपने पेमेंट गेटवे से बात करें या अपने बैंक से बात करें, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई और ये पैसा फेल हो गया है। अब इसके लिए अगर ऐसे में पैसा कट गया है और आप हमारे तक कांटेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी डिटेल नहीं होती है, इसकी डिटेल आपके बैंक के पास ही होती है। फिर भी अगर आप मान लेते हैं कि आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन फंस गया और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे पोर्टल में आपको इसके लिए टिकट जनरेट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ आप सपोर्ट में जाएंगे, टिकट पे जाएंगे, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया आप क्रिएट टिकट पे जाएंगे। यहाँ ओपन टिकट में आपने अगर कोई टिकट क्रिएट किए होंगे तो उसकी डिटेल आएगी। मैंने कोई टिकट नहीं जनरेट किया इसलिए यहाँ पर कोई टिकट नहीं आ रहा है। टिकट आपका क्लोज हो जाता है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आती है। हम यहाँ क्रिएट टिकट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 टाइप से ऑप्शन दे रहा है। आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू सीएससी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कोई सर्विस के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या सर्विस से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो उसके लिए यहाँ पर आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्विस यूज़ की है जिसमें आपका ट्रांजेक्शन हुआ है और वो सर्विस आपको नहीं मिल पाई है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने ऐड मनी किया है और आपका ऐड मनी करते समय ट्रांजेक्शन फेल हुआ है और वॉलेट आपके बैंक से पैसा कट चुका है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। 24 घंटे से अधिक का टाइम हो गया है तो आप 24 इस पे क्लिक करेंगे। आपका ट्रांजेक्शन नंबर जो भी आप, मैंने जैसे अभी करके दिया दिखाया था आपको 16 डिजिट का ट्रांजेक्शन, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, ये 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद ही आप कंप्लेन टिकट रेज कर पाएंगे। यहाँ पर आप कंप्लेन टिकट रेज कर देंगे, इसके बिहाफ में जो भी आपके आंसर होगा आपको इसी टिकट पे आपको
ओपन टिकट में जाके आप अपने टिकट का रिप्लाई देख सकते हैं, जो कि आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये होता है आपके कंप्लेन टिकट जनरेट करने का माध्यम। यहाँ से आप अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं और उसके रिजोल्यूशन पा सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यहीं पर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑर्डर हिस्ट्री में आपने अभी तक की क्या ऑर्डर लगाया, आपने उसका स्टेटस क्या है, डिटेल ट्रैक ऑर्डर, ये सब आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है इसके बारे में आप डिटेल चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो, उसकी डिटेल चाह उसका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, उसमें आपको कितना कमीशन मिल रहा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो ये होता है माध्यम आपको अपनी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए कंप्लेन टिकट जनरेट करने का, और ये आपका ऑर्डर हिस्ट्री का है। अगर आपने अपने आप इसमें अपने ऑपरेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, ये होता है ऑपरेटर ऐड करने का। यहाँ पर आप अपने ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। आप ऑपरेटर में कोई पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन से आप अपने वॉलेट से अपने ऑपरेटर को पैसा दे सकते हैं। ऑपरेटर को पैसा ऐड नहीं कर सकता, आपको ही पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। तो बाकी आपके पोर्टल में सर्विसेज, आप यहाँ पर से कोई भी जो भी सर्विसेज चाहिए आप वो सर्विसेज सर्च कर सकते हैं। वो जैसे पासपोर्ट, IRCTC, जैसे पासपोर्ट पर सर्विस हमें सर्च करना है तो हमने पासपोर्ट सर्विस सर्च कर लिया, या हमें IRCTC सर्विस सर्च करना है तो हम यहाँ पर IRCTC सर्विस, इस तरीके से जो भी सर्विस हम आप चाहते हैं यहाँ पर से सर्च करके उस सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन और उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर सर्विसेज विदाउट रजिस्ट्रेशन वर्क करती हैं, जिन पे आप अच्छा कमीशन पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं। जो भी आप अपना मोबाइल मेल चाहते हो, या आपके नाम या DOB में कोई चेंजेस आ गया हो तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल को आप अपने मोबाइल पर भी डायरेक्ट CSC ID लॉगिन करके, गूगल पे सर्च करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल ऐप की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आप डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। आज की मुलाकात की इस कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।